नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल सॉल्यूशन। तो हम आज के वीडियो में हम एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं बनाऊंगी, ये पीछे जो मिरर टंगा हुआ है, छोटा सा मिरर है बट ये बहुत ही बोहो लुक देता है, प्लस बहुत ही यू नो सिंपल सा है येट एलिगेंट बहुत ज़्यादा है। एंड आप अगर अपने घर को डेकोर करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी। घर छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप उसमें मिरर्स ऐड करते हैं तो ये घर का एक जो मिरर होते हैं वे इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि स्पेशियस होने का। सो अगर आपने बेडरूम में या हॉल में अगर आप मिरर दो चार अपने मिरर लगा दिए तो ये ऑटोमेटिकली एक एल्यूजन क्रिएट कर देगा तो कि यस हॉल बहुत बड़ा है या रूम बहुत बड़ा है। तो आपने मुझे देखा होगा मेरे घर में अगर वीडियो शूट करते टाइम कि मेरे घर में बहुत सारे मिरर हैं, और इसका एक यही रीज़न है कि मुझे थोड़ा सा ओपन स्पेस पसंद है, ओपन एरियाज पसंद है। और अगर नहीं भी है हमारे पास ओपन एरिया या स्पेशियस एरिया तो हम मिरर के थ्रू बना सकते हैं, छोटे छोटे मिरर या बड़े मिरर जैसे भी आपकी अवेलेबिलिटी हो। तो मेरे घर में बड़े भी हैं छोटे भी हैं और मैं DIYs भी बनाती रहती हूँ मिरर से लेकर। तो ये मैंने एक बनाया है, बोहो काइंड ऑफ लुक है और इसमें ट्रस्ट में कोई भी बाहर से आपको सामान लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तो चीज़ें पड़ी हुई थी एक्चुअली, एक टूटा सा मिरर पड़ा हुआ था, उसका मैंने फ्रेम निकाल लिया और कुछ चीज़ें इसमें लगेंगी जो अब मैं आगे वीडियो में देखेंगे। एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है, आप किसी भी कॉर्नर को अगर डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक जस्ट मिरर ऐड कर दें और उसके नीचे थोड़े से प्लांट वांट लगा दें एंड दैट्स यू नो इनफ है आपके घर को थोड़ा सा ओपन करने के लिए, इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आपका ओपन स्पेस है। सो या बहुत देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कमेंट एंड लाइक। या तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक चाहिए राउंड मिरर, जो कि मेरे पास एक्चुअली एक मिरर रखा हुआ था मेकअप के लिए, तो उसका फ्रेम हटा के ये मिरर मैंने यूज़ कर लिया है। और ये स्टिक जो है, इनको बम्बू स्टिक बोलते हैं, इसमें यहाँ पर हम लोग बारबेक्यू वगैरह करते हैं। सो एक साइज छोटा स्टिक चाहिए और एक थोड़ा सा बड़ा स्टिक चाहिए, तो ये टोटल 100 स्टिक्स है मेरे पास। और ग्लू गन चाहिए होगा और ग्लू गन स्टिक भी चाहिए होंगी। सो ये जो टोटल 5 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी उसके लिए। तो मेरे पास ग्लू गन भी रखी हुई थी पहले से, गन स्टिक भी रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैं कांच को उल्टा करके और मैं थोड़ा सा पीछे जो है गन ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर लूँगी अच्छे से, जो बम्बू स्टिक है। और थोड़ा सा पीछे से करें, नहीं तो निकलने का भी डर रहता है। तो वैसे भी ये इतनी लाइट वेट होती है कि वो कहीं नहीं जाएंगी, अच्छे से आप उसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दें सारी स्टिक्स को। और थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ें क्योंकि उसके बाद हम छोटी स्टिक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी जो लॉन्ग वाली स्टिक्स हैं वो मैंने उनको लगा ली है, थोड़ा सा गैप देकर जितनी मुझे जगह चाहिए थी। और मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे बीच में कितनी स्टिक्स छोटी वाली चिपकानी है, तो मैं 4-4 स्टिक बीच में चिपका रही हूँ। आप अगर थोड़ा बड़ा मिरर लेंगे तो और ज़्यादा जगह रहेगी। और उसके बाद मैं रफली ग्लू गन की हेल्प से उसमें जो ग्लू है उसमें भर रही हूँ। उसके बाद मैंने रफली ऐसे ही चिपका दी है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है गन, तो ये काफ़ी अच्छे से होल्ड करेगी। और ऐसे रखते ही बम्बू स्टिक वो स्टिक हो जाएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। तो इसी तरह से सारी जो बम्बू स्टिक्स हैं वो ऐसे ही चिपका दें। और बाद में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ग्लू गन भी जो ग्लू है उसके पीछे पीछे लगाते रहें ताकि अगर कोई चांसेस हो निकलने का तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए वो जो स्टिक्स हैं। वैसे ये बम्बू स्टिक होती इतनी हल्की है कि थोड़ी सी लगाने के बाद भी हटेंगी नहीं। तो अब लगाते रहें। अगर आपने मिरर बड़ा लिया है तो फिर ज्यादा स्टिक्स चाहिए होंगी। वैसे इसके बाद मेरी बच गई थी 100 स्टिक्स, मैंने ली थी 100 में बड़ी बच गई थी और छोटी थोड़ी बची थी, बट लॉन्ग वाली ज्यादा बच गई थी। सो यहाँ पर ये जो पूरा हो चुका है हमारा, इसके बाद मैं सेम बम्बू स्टिक को लूंगी और उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के कांच को एज अ फ्रेम में यूज करूंगी ये जो स्टिक्स हैं, ताकि वो जो एजेस है उसको कवर हो जाए और ऐसा लगे कि एक फ्रेम है। अदरवाइज वो कांच गोल गोल साइड से दिखेगा तो थोड़ा सा
मुझे अच्छा नहीं लगा, आप चाहें तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मैंने सेम मिस्टेक के छोटे छोटे टुकड़े करके बस उसमें स्टिक कर दिए थे ताकि एजेस ना दिखे, ऐसे ही करके मैंने उसको चिपका दिया है। सो या इसके बाद मैंने साइड में भी वो चिपका दिया है, ऑप्शनल है, उसके बीच में आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो भी ठीक ठाक है। सो या दिस इज द फाइनल रिवील, ये बहुत ही बोहा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और जरूर इसको ट्राई करें अपने घर पे। एंड आप चाहे तो एक बना लें, तीन चार जितने भी बना सकते हैं, पूरी वॉल में लगा लें। एंड डू लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो DIY। एंड या अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सी या।